सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई फिलहाल तो यार यहाँ पर अपनी रैंक #7 चल रही है और भाई यहाँ पर मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी #1 कर दूँ। अब यहाँ पर जो मेरे से ऊपर बनते हैं भाई वो बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं एंड यार यहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी तक मेरी रैंक #7 है। बट #1 तो अपन करके रहेंगे। अब यार यहाँ पर मैं उतरते एक साथ ही एक किल तो कर देता हूँ। अब मेरे को सामने साइड में एक और बंदा स्पॉट होता है। अब इस बंदे की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, ये बंदे के टाइम पर ही मेरी डीपी रिलोड हो जाती है। खैर यार वहाँ पर तो वो बंदा बच जाता है। अब सामने साइड से एक बंदा मेरे पे रश करने के लिए आता है, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर एक और बॉट स्पॉट होता है। एंड भाई जैसे ही यहाँ पर मैं इस वाले बॉट को फिनिश करता हूँ, ऊपर जो बंदा था वो मेरे पे रश करने के लिए आ जाता है। अब यार यहाँ पर इस वाले भाई का तुम लोग नाम याद रखना, साहिल। ये बंदा यहाँ पर मेरे पे दोबारा रश करने के लिए आएगा। फिलहाल इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। तब यार यहाँ पर मेरे को सामने साइड से एक और बंदे के फुटस्टेप आते हैं। अब यार जैसे ही यहाँ पर ये बंदा मेरे पे रश करने के लिए आता है, इसको यहाँ पर मैं अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। अब ये बंदा यहाँ पर फॉल बैक करने की सोचता है, बट इसको यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल यार यहाँ पर साहिल नाम के बंदे को जो मैंने पहले किल करा था वो अभी मेरे ऊपर था, तो उस बंदे का यहाँ पर मैं इंतजार कर रहा था कि भाई वो मेरे पे रश करे, बट वो रश कर ही नहीं रहा था। और भाई यहाँ पर जो ऊपर बंदा था वो तो मेरे पे रस करता नहीं है, बट यहाँ पर अपने को 2 किल फ्री के मिल जाते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा काफ़ी देर तक मेरे को होल्ड करवाता है, बट एट द एंड वो बंदा यहाँ पर जंप कर ही देता है। और भाई यहाँ पर ये वही बंदा था साहिल। खैर इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल यार यहाँ पर मेरे को छोड़कर 2 बंदे और बचे थे। एंड यार यहाँ पर इस बंदे से हमारी काफ़ी अच्छी फाइट होती है एंड ये बंदा भी यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे देता है, बट जैसे तैसे करके इस बंदे को तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल तो यार यहाँ पर एक और बंदा था। और भाई फाइनली इस वाले इवेंट को हम यहाँ पर खाली कर देते हैं। इवेंट पे अपने यहाँ पर 10 किल हो चुके थे, उसके बाद तो यहाँ पर मैं बंदे ढूंढ ही रहा था। तभी यार यहाँ पर इस वाले स्क्वाड हाउस पे 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं आ जाता हूँ इधर थर्ड पार्टी करने के लिए। एंड यार यहाँ पर फर्स्ट वाले बंदे के पास में थी भाई डीवीएस। अगर गलती से चिपक जाती तो भाई अपना गेम इधर ही ओवर हो जाता, बट जैसे तैसे करके हम इन दोनों बंदों को किल कर देते हैं। फिलहाल तो यार यहाँ पर अपने पास में थी फ्लेयर गन। फ्लेयर गन से यहाँ पर मैं मंगाता हूँ BIDM। एंड भाई जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को सामने साइड में सैक से एक बंदा भागता हुआ दिखता है, जो कि भाई बिल्कुल ओपन में जा रहा था गाड़ी लेने के लिए। अब यार यहाँ पर ये बंदा जो था ये तो बिल्कुल ओपन में था, इसको तो मारने में कोई दिक्कत होती नहीं है, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल सर्कल जो था वो बना था बिल्कुल ओपन में। अब यार यहाँ पर इस बग्गी वाले बंदे को लग रहा था कि इसके पास में भी BIDM है, इसको भी गोली नहीं पड़ेंगे, बट भाई इसके पास में थी बग्गी, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल मैं चला जाता हूँ कंपाउंड की तरफ।
अब यार यहाँ पर तो अपने साथ में हो जाता है स्कैम भाई, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे पास ही में नेट पड़ा है एंड ये बंदा यहाँ पर अपने को किल कर देता है। लेकिन कोई ना, इस वाले गेम से अपने को 22 का अच्छा खासा प्लस मिल चुका था। बाकी तो बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ। अब यार यहाँ पर इस वाले गेम की शुरुआत तो भाई बहुत ही बेकार होती है। मतलब भाई मैं बिल्कुल सीधा सीधा उतर रहा था, बट भाई पबजी के गिलिच के कारण पता नहीं भाई मेरे को कहाँ ही फेंक देता है। अब यहाँ पर अपने पास में था रिकॉइल, तो यार यहाँ पर मैं बंदे ढूंढ ही रहा था, ये बंदा मेरे को स्पॉट होता है, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल मैं आता हूँ पेट्रोल पंप की तरफ एंड यहाँ पर एक और बंदे का मेरे को साउंड आता है। और भाई यहाँ पर इस बंदे के पास में भी होती है DBS। अब भाई पता नहीं यहाँ पर मैं कैसे ही बच जाता हूँ, बट जैसे तैसे करके हम इस बंदे को किल कर देते हैं। अब ये बंदा भी अपने को चैलेंज दे देता है, तो इसका चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं एंड ये बंदा इधर ही उतरता है। अब यार यहाँ पर क्या ही हो रहा था, मतलब भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, बट जैसे तैसे करके इस बंदे को हम दोबारा भी किल कर देते हैं। फिलहाल उसके बाद तो सर्कल यहाँ पर बना था, तो मैं सेंटर में आ जाता हूँ एंड भाई जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर एक घोड़ा सा जाता है बिल्कुल ओपन से। और भाई यहाँ पर ये बंदा जो था ये घोड़े से को लेकर बिल्कुल ओपन से जा रहा था, बट इसको पता नहीं था कि वो दो चार गोलियों में ही फूट जाता है एंड उस बंदे को भी यहाँ पर हम किल कर देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर इस वाले मैच में भी होती है अपने पास में फ्लेयर गन, फ्लेयर गन से यहाँ पर मैं मंगाता हूँ BRDM एंड भाई जैसे यहाँ पर मैं BRDM लेकर सर्गर में जा रहा होता हूँ, एक बंदा यहाँ पर ड्रॉप लूट रहा होता है। नहीं, और लूट रहे हो लास्ट के जोन में ड्रॉप, मतलब भाई लास्ट के जोन में कौन ड्रॉप लूटता है, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पर एक और बंदा स्पॉट होता है एंड यार यहाँ पर ये बंदा किसी पे हार्ड स्कोप खोल के बैठा था और इस बंदे को पता ही नहीं था कि मैं भी इसको देख रहा हूँ, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर मेरे को छोड़कर दो बंदे और बचे थे। ओ भाई मेरी BRDM से दूर रहना, बोला था ना दूर रहना। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनू ने काट रहा है। एंड यार इसी के साथ में इस वाले गेम में भी इजीली चिकन निकाल लेते हैं। फिलहाल इस वाले गेम से 21 का हमको अच्छा खासा प्लस मिल चुका था। बाकी तो बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले गेम की तरफ। इस वाले गेम की भी शुरुआत एकदम बेकार होती है, लेकिन यहाँ पर इस वाले गेम में मैं 2 किल तो कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर एक बंदे ने दो दो फ्लेयर गन चलाई होती हैं एंड यहाँ पर मैं इस बंदे के लिए कैंप कर रहा था, बट ये बंदा निकल के किसी और पे फायर कर रहा था, उसको तो मैं किल कर देता हूँ। अब मेरे को पता था उस बंदे को भी यहाँ पर सर्कल में आना है। एंड यार यहाँ पर इस वाले भाई को भी इजीली किल कर देते हैं। फिलहाल तो भाई यहाँ पर मेरे पे 400 से ज्यादा कॉइन हो चुके थे, तो यहाँ पर एक और फ्लेयर गन देता हूँ और उससे BRDM मंगाता हूँ। एंड भाई जैसे यहाँ पर मैं इस वाली BRDM में होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को सामने साइड से एक बग्गी का साउंड आता है एंड ये बंदा मेरे सामने आकर ही रुक जाता है। और भाई यहाँ पर इस वाले भाई को भी इजीली किल कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को किल करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी गन वन रिलोड कर लेता हूँ। अब मेरे को सामने साइड में एक और बंदा स्पॉट होता है। और भाई यहाँ पर इस बंदे को भी हम किल कर देते हैं। फिलहाल तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो इधर था नहीं एंड अभी के लिए मेरे को सर्कल में जाना था।
भाई वो नीतन की है ऐसा नोंग सो। हाँ अब यार यहाँ पर सर्कल में आने के बाद यहाँ पर अपने साथ में हो जाते हैं गलत सीन। मतलब भाई अपनी बीआरडी में ऊपर जा ही नहीं रही थी, मैं यहाँ पर पीछे कर रहा था बट पीछे हो ही नहीं रही थी। फिलहाल भाई यहाँ पर एक चीज तो तीनों मैच में सेम की सेम हुई। मतलब भाई तीनों मैच में मेरे को डीबीएस वाले बंदे मिले और भाई हमने तीनों के तीनों बंदों को मारा। अब ये बीआरडीएम वाला भाई कुछ बोल रहा था बट मेरे को यहाँ पर घंटा समझ नहीं आ रहा था। ये समझ लो भाई भैंस के आके बीन बजाना। अब यार यहाँ पर मैंने सामने दो बंदों को भाई बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया बट अपने को किल के नाम पे घंटा मिलता है। खैर उसके बाद तो यहाँ पर सिर्फ 1v1 की सिचुएशन बची होती है। एंड यार इसी के साथ हम इस वाली गेम में भी चिकन निकाल लेते हैं। फिलहाल तो गाइस यही था आज वाली वीडियो में। कल मिलते हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ, तब तक ले बाय बाय।